से संस्कृति स्वास्थ्य की जय नहीं बोध हो बोध 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 हो। धर्म बोध में आपका अभिनंदन। चैनल के सदस्य बने, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। आदरणीय मित्र जय माता दी। यदि आपकी माँ के साथ, आपको जन्म देने वाली माँ के साथ कोई रेप का हो प्रयास, यदि कोई चाहे बलात्कार करना, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उसके साथ? यदि आपकी माँ का कोई चाहे टुकड़े टुकड़े करना, तो आप क्या करेंगे? बोलिए, क्या करेंगे आप? क्या आप उसे सहन करवाएंगे? नहीं ना, तो फिर माँ भारती के साथ, भारत माता के साथ जो हो रहे हैं प्रयास, जो इसे टुकड़े टुकड़े कर देने के हो रहे हैं प्रयास, जो इसके साथ रेप के हो रहे हैं प्रयास, इस पर आप चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं? आप के खून में उबाल क्यों नहीं है? हाँ, आश्चर्य, घोर आश्चर्य। कोई नेता, कोई देशद्रोही नेता खुद को कहने वाला व्यक्ति दुश्मन के साथ मिलकर आक्रमण की बात करता है, दुश्मन से मिलने की बात कोई करता है, और हम चुप रह जाते हैं। केवल थोड़ा बहुत शोर मचाया और चुप। कोई हमारे राष्ट्रीय झंडा का अपमान करता है सरेआम, और हम थोड़ा बहुत शोर मचाकर चुप रह जाते हैं। कोई देश को तोड़ने का करता है प्लानिंग, और हम थोड़ा बहुत शोर मचाकर चुप रह जाते हैं। कोई देश के दुश्मनों के साथ मिलकर कोई योजना बनाता है, और हम जान कर भी चुप रह जाते। कोई देश के बैरी उसकी भाषा बोलता है, उसके सुर में मिलाता है अपना सुर, और ऐसे देश के जो दुश्मन हैं गद्दार, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी क्यों? आजादी होनी चाहिए। यदि आप सरकार की आलोचना करते हैं, हमें उसकी कोई नहीं है परवाह। यदि कोई व्यक्तिगत रूप से, व्यक्ति विशेष का, पार्टी विशेष का, सरकार विशेष का यदि विरोध करता है, तो इसे तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सहन किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई देश को ही तोड़ने की बात करे, और देश के जो है बैरी उनकी भाषा बोले, उसकी हमें हां मिलाए, तो फिर ऐसे गद्दारों को सहन कैसे किया जा सकता है? देखिए कि इस फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का चीन प्रेम जाग गया है। विवादित बयान देने के लिए जाने जाने वाले फारूक अब्दुल्ला ने इस बार कहा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 चीन की मदद से रेस्टोर किया जा सकता है। अब्दुल्ला के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर। देखिए इस महबूबा ने क्या बोला था।
देखो झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। देखो झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। हमारा झंडा तो ये है और हमारा इस उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। देखिए इस सर्जिली इमाम को इसकी क्या योजना थी। हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम एक आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डाले पटरियों पर रोड पे उनको हटाने में एक महीना लगे, है कि नहीं। जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है कौन ताकत है। देखिए अपने ही देश के भाई बंधु बहनों को जो थोड़े से वोट के लिए क्या से क्या वो बोलते रहते हैं। वेलकम बैक। नागरिकता कानून पर देश भर में हो रहे प्रदर्शन और हिंसा के बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक देश विरोधी मांग कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सीएए और एनआरसी पर जनमत संग्रह की मांग की गई और कहा कि इसकी मॉनिटरिंग यूएन से होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर जनमत संग्रह में सरकार की हार होती है तो प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दें। তাই যদি ধাক্কা সামলাতে হয় আর বুকের যদি পাতা থাকে চলে আসুন, ভোটে চলে আসুন, একটা ভোট করো ভোট। এই সিএই শুরু পর সিএম এবং এনআরসি শুরু পর সারা ভারতবর্ষে একটা গড় ভোট হয়ে যাক। আপনি করবেন না, ইউনাইটেড নেশনস করবে, একটা ইম্পার্শিয়াল অর্গানাইজেশন। লেট দেম প্লে ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। ইউনাইটেড নেশনস, হিউম্যান রাইটস কমিশন, ইম্পর্টেন্ট যারা এক্সপার্টস তাদের নিয়ে একটা কমিটি হোক। তৃণমূলেরও থাকার দরকার নেই, বিজেপিরও থাকার দরকার নেই, অন্য পার্টিরও থাকার দরকার নেই, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান কোনো কমিউনিটি থাকার দরকার নেই। আমরা চাই তারা একটা গণভোট সংগঠিত করুক ভারতবর্ষে। আমরা দেখতে চাই কটা লোক মানছে আর কটা লোক মানছে না। যদি না মানে বলুন রেজিগনেশন করতে বাধ্য হবেন। और अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताया था। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim. आश्चर्य है कि राष्ट्रवादियों की सरकार है और राष्ट्र माता के साथ, भारत माता के साथ रेप पे रेप हो रहा है, इसे तोड़ने की बातें हो रही हैं, दुश्मनों की भाषा बोली जा रही है, लेकिन हम कुछ शोर हल्ला करने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विचारिए क्या होना चाहिए। ऐसे जो देश के हैं गद्दार, इन्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए? क्या फांसी से कम इनके लिए उचित है? क्योंकि ये जब तक जीवित रहेंगे इनकी आदत छूटने वाली नहीं। ये बिच्छू हैं, बिच्छू, आप इन्हें जाओ अगर सहायता भी देने हैं तो भी ये डंक मारेंगे ही मारेंगे। बिच्छू की आदत ऐसे छूट नहीं सकती है। केवल
और केवल एक ही दंड हो, फांसी, फांसी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान में जो है कानून, उसमें ऐसे लोगों के लिए फांसी का नहीं है प्रावधान, केवल कुछ वर्षों की जेल बस। लेकिन क्या आप इससे संतुष्ट हो सकते? नहीं ना। ऐसे गद्दार जब तक जीवित रहेंगे तब तक देश को तोड़ने, देश को कमजोर बनाने की साजिशें चली रहेंगी। अरे हमें बाहर के बैरियों से उतना भय नहीं जितना कि अंदर के गद्दारों से है, अंदर के जय चंदों से है। तो इन जय चंदों को, इन देश के गद्दारों को फांसी से कम की सजा गैर मुनासिब होगी, और इसके लिए हमें नया कानून बनाना होगा। ऐसा बने कानून जिसमें देश को तोड़ने की साजिश, देश को कमजोर बनाने की साजिश, देश के जो दुश्मन हैं उसकी भाषा बोलने वालों को केवल और केवल एक ही मिले सजा, वह फांसी, फांसी, फांसी। यदि आप हैं सहमत तो हमें लिखें और इस पर अपनी राय अवश्य हम तक पहुंचाएं। धन्यवाद।